24 न्यूज, मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्वाण। रूस यूक्रेन जंग, सबसे बड़े रूसी जंगी जहाज मास्कोवा की तबाही की झलक आई सामने। जापोरिजिया के 69 नागरिक रूस की कैद में। श्रीलंका में आर्थिक संकट, आज से शुरू होगा संसद सत्र। अविश्वास प्रस्ताव को तैयार विपक्ष का दावा, हमारे पास जरूरी नंबर मौजूद। इंडोनेशिया में 6 तीव्रता का भूकंप, फिलहाल नुकसान की खबर नहीं। बाज नहीं आ रहा चीन, LOC से सटे हॉट स्प्रिंग में लगाए 3 मोबाइल टावर, भारतीय क्षेत्र में निगरानी का खतरा। दिल्ली जाने वाली गो एयर की फ्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोकी गई, फोन पर मिली थी बम होने की सूचना। दिल्ली हिंसा, सोनू ने कबूल किया अपना जुर्म, कहा मैंने कुशल चौक के पास फायरिंग की थी, पुलिस ने पिस्टल बरामद की। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, पुलवामा में टहलते हुए आया दहशतगर्द, RPF जवानों को मारी गोली, हेड कांस्टेबल शहीद, ASI घायल। आज लखनऊ के सामने होगी बेंगलुरु, DY पाटिल स्टेडियम में RCB ने 5 में से 3 मैच हारे। बेंगलुरु के खिलाफ पिछली 5 पारियों में राहुल का औसत 183। मेरठ सहित 5 जिलों में कोरोना का अलर्ट, सभी जिलों में मास्क को अनिवार्य, कोरोना से बचाव को फिर होगा प्रचार। काशी में तापमान पहुंचा 45.2 डिग्री सेल्सियस, पिछले 70 साल में दूसरी बार वाराणसी में पड़ी इतनी ज्यादा गर्मी। विवादित बयान देने पर सपा नेत्री पर हुई FIR, अलीगढ़ में सपा नेत्री ने दिया था विवादित बयान, बोली थी मंदिर के सामने पढ़ेंगे कुरान। IIT प्रोफेसर्स का दावा, चौथी लहर नहीं होगी घातक, प्रोफेसर रंजन ने कहा वैक्सीन नहीं लेने वालों को खतरा ज्यादा, प्रोफेसर अग्रवाल बोले लापरवाही पड़ेगी भारी। मुस्लिम महिलाओं के हक में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब तलाकशुदा भी पति से ले पाएंगी गुजारा भत्ता, लखनऊ बेंच ने निचली अदालत का पलटा फैसला। पंचायत चुनाव के लिए आप वे JJP आमने सामने, सांसद बोले सरकार की चुनाव करवाने की मंशा नहीं, मंत्री का जवाब ट्वीट के चक्कर में खबर पूरी नहीं पड़ते। खरगोन में आज फिर कर्फ्यू में 4 घंटे ढील, दंगा पीड़ितों के लिए 1 करोड़ मंजूर, जबलपुर में हत्या। विदेश से कोयला खरीद का मामला नियामक आयोग पहुंचा, उपभोक्ता परिषद की दलील, इम्पोर्टेड कोल खरीदा गया तो महंगी होगी बिजली, निजी घरानों को फायदा। आज हापुड़ बाईपास 9 घंटे के लिए बंद, मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर हाई टेंशन लाइन की जाएगी शिफ्ट, खरखोदा से आ जा सकेंगे सभी वाहन। CM लखनऊ में सरेरा हुई फायरिंग पर सख्त, पुलिस कमिश्नर ने गुडम्बा इंस्पेक्टर समेत 3 को किया सस्पेंड, आरोपियों की तलाश। देवरिया में सड़क हादसे में 6 की मौत, बुलेरो और रोडवेज बस की टक्कर में 10 से ज्यादा घायल, तिलक चढ़ाकर कुशीनगर जा रहे थे। पाकिस्तानी 63 हिंदू बंगाली कत्स्थान में मिला हक, योगी सरकार ने हर परिवार को दिया 2 एकड़ जमीन और मकान, बीते साल कैबिनेट में पास हुआ था प्रस्ताव। आप देखते रहिए टुडे 24 न्यूज।